हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। तो मैं आ गई हूँ फिर से फॉरएवर लव के नए पार्ट के साथ। आप सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और गाइस, आप लोग कमेंट तो बिल्कुल भी नहीं करते हैं, तो आपको कैसा लग रहा है कंटेंट उस पर कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ। जैसा कि लास्ट पार्ट में हम देखते हैं कि सब ने यूवे को बहुत बुरा भला कहा होता है और उसको पार्टी से निकाल दिया जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कीमो और लिंजी आपस में बात कर रहे होते हैं। लिंजी अपनी ज्वेलरी निकाल रही होती है तो कीमो उसे कहता है कि तुम्हारी स्किल्स तो बहुत ही अच्छी हैं। तो लिंजी उसे जवाब देती है कि यूवे और चीशन तो इतने सालों से उसके सामने एक्टिंग कर रहे हैं, तो वो इतना तो कर ही सकती है। फिर कीमो उससे कहता है कि तुम्हारे पास इतना अच्छा मौका था यूवे को यहाँ से निकालने का, फिर भी तुमने उसे रख लिया। तो लिंजी उससे कहती है कि तुमने देखा नहीं चीशन ने कैसे इतने क्रूशियल मौके पे भी उसकी साइड नहीं ली, तो मैं तो उसे तुरंत नहीं निकाल सकती थी। तो कीमो उसे कहता है कि कहीं तुम्हें चीशन की चिंता तो नहीं होने लगी कि वो तुम्हारी साइड है। तो लिंजी उससे कहती है कि तुमने मुझे बेवकूफ समझ रखा है क्या। तो कीमो उससे कहता है कि हाँ, मुझे तुम पर पूरा यकीन है, लेकिन मैं तो बस तुम्हारा टेस्ट ले रहा था और मुझे तुम्हारी बहुत फिक्र हो रही थी। तो लिंजी उससे कहती है कि मैं धीरे धीरे ऐसा ही करते जाऊंगी और मैं यूवे को दिखा दूंगी कि चीशन उसकी साइड कभी नहीं लेगा, और ऐसे करते करते मैं उन दोनों का रिलेशनशिप पूरी तरह बर्बाद कर दूंगी। तो कीमो उससे कहता है कि तुम अगर ऐसा करोगी तो क्या चीशन को तुम पे शक नहीं होगा। तो लिंजी उससे कहती है कि मैं यही चाहती हूँ कि चीशन बस कंफ्यूज होता रहे कि मैं उस पर भरोसा करती भी हूँ या नहीं। तो कीमो उससे कहता है कि तुम्हें पता भी नहीं है तुम कैसे इंसान के साथ दुश्मनी ले रही हो, ये कुछ भी कर सकता है, ये किसी को मार भी सकता है। तो लिंजी उससे कहती है कि मैं यही चाहती हूँ कि वो मुझे मारने आए और तब उसका जो असली चेहरा है वो सबके सामने दिखेगा। तो कीमो उससे कहता है कि लिंजी तुम इतनी भी इंपल्सिव मत बनो, वैसे भी हम दोनों ने साथ मिलकर ये प्लान किया था कि हम दोनों धीरे धीरे इस चीज पे काम करेंगे और उससे बदला लेंगे। तो लिंजी कहती है कि मैंने तुमसे कभी भी प्रॉमिस नहीं किया, ना ही तुम्हारे साथ कभी भी कोई प्लान बनाया चीशन के साथ बदला लेने का। वो कीमो से कहती है कि तुम मेरे पर्सनल असिस्टेंट हो तो वही बनकर रहो, मैंने तुम्हारी कोई राय नहीं मांगी है। तो कीमो उससे कहता है कि क्या तुम मुझसे इस टोन में बात करोगी। तो लिंजी कहती है हाँ, अब से तुम इसकी आदत डाल लो। फिर वो कीमो से कहती है कि मैं अभी 10 तक गिनूंगी और यहाँ पे यूवे आएगी मुझसे भीख मांगने और तुम उसे भगाना नहीं। फिर वो काउंटिंग स्टार्ट कर देती है और जैसे ही 10 सेकेंड्स ओवर होते हैं और वहाँ पर यूवे आ जाती है। यूवे तुरंत आकर उससे रोकर और गिड़गिड़ाकर माफ़ी मांगने लगती है और कहती है कि तुम मुझे यहाँ से मत निकालो क्योंकि मैं कहाँ रहूँगी उसके बाद। तो लिंजी उससे कहती है कि चलो ठीक है, मैं तुम्हें नहीं निकालती हूँ, लेकिन तुम फिर मेरे लिए क्या करोगी। तो यूवे कह देती है कि मैं कुछ भी करूँगी। उसके बाद हम देखते हैं कि यूवे चीशन से मिलने आई है और उसे शिकायत कर रही है कि इतने लोगों की भीड़ के सामने भी तुमने मेरा साथ नहीं दिया, क्या तुम मुझसे ब्रेकअप करना चाहते हो। तो चीशन उससे कहता है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर चीशन उससे कहता है कि आज तुम रंगे हाथों पकड़ी गई हो, तो तुम आगे के लिए तो बिल्कुल ही केयरफुल हो जाओ। तो यूवे उससे कहती है कि आज की बात हो तुम बिल्कुल भी मेरे से मत करो, आज तुमने मेरी जरा सी भी साइड नहीं ली। तो चीशन उससे कहता है कि वैसे भी तुम सबके सामने थी तो मैं तुम्हारी साइड कैसे ले सकता था, फिर तो मैं भी पकड़ा जाता। और मैंने तुम्हें कितनी बार पहले मना किया था कि उसकी रिंग मत पहनो, लेकिन तुम मेरी बात सुनती ही कहाँ हो। फिर यूवे चीशन को बताती है कि उसने लिंजी को मना लिया है कि वो उसे यहीं रहने दे, बाहर ना निकाले। तो चीशन तुरंत शॉक हो जाता है और कहता है कि तुमने लिंजी को कैसे मना लिया। तो यूवे उसे बताती है कि मैं उसकी 20 साल से दोस्त हूँ, तो मुझे पता है कि उसको कैसे मनाना है। फिर चीशन उससे कहता है कि चलो वो सब तो ठीक है, लेकिन ये कीमो तो हमारे लिए खतरा बनता जा रहा है, इसे हमारा सब कुछ मालूम है, और अगर इसने लिंजी को ज़रा सा भी बता दिया हम लोगों के बारे में तो हम लोगों का तो खेल ख़त्म हो जाएगा। इस कीमो का हम लोगों को कुछ तो करना पड़ेगा। फिर चीशन यूवे को बताता है कि उसने कुछ गुंडों को हायर कर लिया है कीमो को मारने के लिए। तो यूवे उससे कहती है कि क्या तुम ये सब हैंडल कर पाओगे। तो चीशन उससे कहता है कि हाँ, मैं सब कुछ हैंडल कर लूँगा, तुम सब कुछ मुझ पर छोड़ दो। फिर हम अगले दिन देखते हैं, लिंजी यूवे और कीमो हॉस्पिटल गए होते हैं। तो जब वो बाहर आ रहे होते हैं तो यूवे लिंजी को बता रही होती है कि डॉक्टर ने कहा है तुम बिल्कुल ठीक हो, लेकिन तुम्हारी आंखों की रोशनी अभी तक नहीं आई है, तो तुम्हें मेडिसिन लेते रहना होगा। फिर वो लिंजी को बताती है कि चीशन ने जो है कुछ गुंडे हायर किए हैं। तो लिंजी पूछती है कि किस लिए। तो वो कहती है कि ये सब तो मुझे नहीं पता, लेकिन जैसा कि मैंने तुमसे प्रॉमिस किया था कि मुझे कुछ भी पता चलेगा तो मैं तुम्हें बताऊंगी, तो इसलिए मैं तुम्हें बता रही हूँ। तो
लिंजी उससे पूछती है कि तुम उसे कहीं हमारा प्लान तो नहीं बता दोगी। तो युवे कहती है कि नहीं, मैंने अपनी गलती से सीख लिया है और मैं अब ऐसा कुछ भी नहीं करूंगी। फिर हम देखते हैं कि वहां पर गुंडे आ जाते हैं, तो कीमो लिंजी से कह देता है कि तुम यहाँ से जल्दी जाओ और पुलिस को कॉल कर देना। और फिर उसके बाद वो गुंडों से भिड़ जाता है। फिर हम घर में देखते हैं चीशन को, तभी वहां पर युवे और लिंजी आ जाते हैं। तो चीशन तुरंत उसके पास जाता है और पूछता है, लिंजी तुम ठीक हो? तो लिंजी कह देती है, हाँ मैं ठीक हूँ। और युवे तो उससे बहुत ज्यादा गुस्सा होती है, तो वो तुरंत अपने रूम में चली जाती है। उसके बाद चीशन उससे कहता है कि मैंने सुना तुम्हारे पीछे गुंडे पड़ गए थे, तो क्या मैं पुलिस को कॉल करूं? तो लिंजी उससे कह देती है कि तुम्हारी जो मर्जी वो करो, फिलहाल मुझे रेस्ट करना है तो मैं रूम में जा रही हूँ। फिर उसके बाद वो तुरंत रूम में आती है और उसे बहुत ही ज्यादा कीमो की फिक्र हो रही होती है। वो उसे कॉल मिलाती है, लेकिन कीमो का फोन तो स्विच ऑफ आ रहा होता है। तभी वहां कीमो आ जाता है और लिंजी तुरंत जाके उसके गले लग जाती है और उसे पूछती है, तुम ठीक तो हो? तो कीमो कह देता है, हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। लेकिन वो तुरंत उससे कहता है, क्या तुम्हें मेरी फिक्र होने लगी है? तो लिंजी कहती है, नहीं, मुझे क्यों तुम्हारी फिक्र होगी? तो बस तुम्हारा दोस्त मुझसे आकर लड़ने ना लगे, इसलिए मैं बस तुम्हारी थोड़ी सी फिक्र कर रही थी। फिर कीमो उसे किस करने जा रहा होता है, तो लिंजी तुरंत उसकी चोट की तरफ मुड़ जाती है और उससे कहती है कि तुम्हें तो चोट लग गई है, देखो तुम्हारा खून बह रहा है। तो कीमो उससे कहता है कि ये मेरा खून नहीं है। लिंजी उससे कहती है, चलो तब तो ठीक है। फिर कीमो लगातार उसे ही देखे जा रहा होता है और वो फिर से उसे किस करने लगने और वो फिर से उसे किस करने के लिए आगे बढ़ जाता है। लेकिन लिंजी तो पीछे से मुड़ के फिर से अपने रूम में भाग जाती है। फिर उसके बाद हम देखते हैं चीशन जो है युवे को मनाने आया हुआ है। तो युवे तो उससे लड़ रही होती है कि तुमने उन गुंडों को क्यों भेजा पार्किंग लॉट में? क्या तुम्हें पता नहीं था कि मैं भी वहां पर हूं, अगर मुझे कुछ हो जाता तो? फिर चीशन उसे सॉरी बोलता है। तो युवे उसे बताती है कि जैसा उसने कहा था कि उसकी मेडिसिन चेंज कर दो, तो उसकी मेडिसिन चेंज कर दी और अब लिंजी इतनी जल्दी नहीं देख पाई। लेकिन तभी युवे पार्किंग लॉट का सोचती है, जहां पर जब कीमो उसे भागने के लिए कहता है तो लिंजी सिर्फ उसी की तरफ देखने लगती है। तो युवे चीशन को बताती है कि शायद अब लिंजी को दिखाई पड़ने लगा है और वो हम लोगों के सामने से नाटक कर रही है, लेकिन मैं अभी भी इस बात पे पूरी तरह श्योर नहीं हूँ। तो ये सुन के तो चीशन के होशो हवास उड़ जाते हैं और वो उसे कहता है कि अगर तुम्हें इस पे जरा सा भी शक है तो तुम इस बारे में तुरंत पता करो कि वो देख सकती है कि नहीं। फिर हम देखते हैं इधर कीमो और लिंजी को, जहाँ पर लिंजी उसकी दी हुई दवाई कहती है कि इसे फेंक दो। तो कीमो उससे कहता है कि क्या तुम्हें पता चल गया है कि यूवे ने ये दवाइयाँ तुम्हारी बदल दी हैं? तो लिंजी कहती है कि मुझे सब पता है युवे का, वो हमारी तरफ रहने का सिर्फ नाटक कर रही है, बल्कि असलियत में वो है चीशन की ही साइड। फिर लिंजी उससे पूछती है कि जो वो गुंडे आए थे उनका क्या हुआ, उन्हें किसने भेजा था? तो कीमो उससे बताता है कि वो गुंडे बहुत ही ज्यादा ट्रेंड थे, तो शायद वो तुम्हारे लिए नहीं बल्कि मेरे ही लिए आए थे, लेकिन वो बीच ही में रुक गए, नहीं तो आज तो मैं पक्का हार ही जाता उन लोगों के सामने। तो लिंजी उससे कहती है, क्या मतलब, तुम क्या कहना चाहते हो? तो कीमो उससे कहता है कि चलो छोड़ो ये सब बातें, ये बातें अभी इतनी जरूरी नहीं है। जरूरी है ये बात कि अगर कभी भी फ्यूचर में ऐसी सिचुएशन आती है तो तुम मुझसे प्रॉमिस करो कि तुम किसी सेफ जगह पे चली जाओगी। फिर लिंजी उससे कहती है कि मैं ऐसे कैसे कर सकती हूँ, तुम्हें छोड़ के मैं कैसे भाग सकती हूँ? तो कीमो उसे समझाता है और कहता है कि तुम वहां जाके पुलिस को फोन करना, तो पुलिस आके मुझे बचाएगी, तो ये मेरे लिए एक तरह से एक सेफ्टी गेम ही हुआ ना। तो लिंजी उससे कहती है, लेकिन फिर भी अगर वो लोग तुम्हें कुछ कर दे तो? कीमो उससे कहता है कि तुम्हें मेरी आजकल इतनी फिक्र क्यों होने लगी है? तो लिंजी कहती है, मुझे तुम्हारी फिक्र क्यों होगी, वो तो मैं बस इसलिए बोल रही थी कि अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मेरे काम कौन करेगा। तो कीमो उससे कहता है कि तुम चिंता क्यों कर रही हो, मुझे कुछ नहीं होगा। फिर लिंजी उससे कहती है कि हमें चीशन का कुछ ना कुछ जल्दी ही करना पड़ेगा, क्योंकि मैं नहीं चाहती वो फिर से तुम्हारे पीछे कोई गुंडे भेजे, क्योंकि मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही है। तो कीमो तो बहुत ही ज्यादा खुश हो रहा होता है और वो स्माइल करते हुए लिंजी की तरफ देखने लगता है। फिर हम रात में देखते हैं कि लिंजी चुपके से अपने डैड के स्टडी रूम में आती है और वहां पर एविडेंस ढूंढ रही होती है चीशन के खिलाफ। तभी उसे फील होता है कि कोई स्टडी रूम में आ रहा है, तो वो दीवार के पीछे छिप जाती है। तभी रूम में युवे और चीशन आते हैं, जहां पर चीशन युवे से कहता है कि तुम मुझे स्टॉक्स के बारे में बताओ, क्योंकि मुझे लिंजी के $60 मिलियन जल्दी से जल्दी खर्च करने। तो युवे उससे कहती है कि अगर तुम उसके पैसे इतनी जल्दी खर्च कर दोगे तो क्या उसे शक नहीं होगा? युवे और चीशन आपस में लिंजी की प्रॉपर्टी के बारे में बात ही कर रहे होते हैं और लिंजी दीवार के पीछे से सब कुछ सुन रही होती है। लेकिन तभी चीशन की नज़र
टेबल पे रखी एक फाइल पे जाती है और वो कहता है कि इस फाइल की पोजीशन ये नहीं थी जब मैं इसे रख के गया था। तो यूवी कहती है शायद तुम भूल गए होगे, लेकिन चीशन कहता है कि मैं वो फाइल हमेशा उसी पोजीशन में रखता हूँ और अब इसकी डायरेक्शन चेंज है, मतलब रूम में पक्का कोई ना कोई आया था और मैं तो इस रूम में बस 4-5 मिनट पहले ही था। तो यूवी कहती है मतलब जो इस रूम में आया था वो अभी भी यही है। तो चीशन जो है लिंजी की तरफ आगे बढ़ने लगता है और लिंजी तो बुरी तरह डर चुकी होती है, लेकिन तभी वहां पर कीमो आता है और वो चीशन से कहता है कि हाँ बताओ तुम्हें मुझसे कुछ बात करनी थी ना। फिर चीशन उससे पूछता है कि तुम कब आए, तो कीमो उससे कहता है तुम्हें ये भी नहीं पता मैं यहाँ कब आया और तुम तो लिंजी के सारे पैसे हड़पना चाहते हो। चलो अच्छा ये बताओ कि कल जो गुंडे आए थे मुझे मान लो तुमने ही भेजे थे ना, और तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था कि हम दोनों एज अ टीम काम करेंगे, तुम तो मेरी पीठ के पीछे खंजर मार रहे हो और एक टीम ऐसे काम करती है क्या। यूवी बीच में बोलती है कि तुम तो एटीट्यूड की बात बिल्कुल ही मत करो, उस दिन जो भी पार्टी में हुआ था सब तुमने किया था ना। तो कीमो उससे कहता है कि तुम तो बिल्कुल ही मत बोलो, तुमने तो अभी लिंजी से प्रॉमिस किया था कि तुम उसकी साइड हो और अब तुम चीशन के साथ हो। फिर कीमो चीशन से कहता है कि वैसे भी मैं तुमसे यहाँ पर एक बड़ी कोलैबोरेशन के रिगार्डिंग बात करने आया था, लेकिन तुम्हें भी बात नहीं करनी तो कोई बात नहीं मैं ही यहाँ से चला जा रहा हूँ। तो चीशन उसे आवाज़ देता है और कहता है कि नहीं तुम बताओ मुझे कौन सी बड़ी कोलैबोरेशन के बारे में तुम बोल रहे हो। कीमो उससे कहता है कि हम दोनों नीचे चल के बात कर सकते हैं। तो यूवे उससे कहती है कि नीचे क्यों जाना, जो भी बात होगी यहीं पर होगी। कीमो कहता है कि मुझे इस रूम में सेफ फील नहीं होता, क्या पता तुम लोगों ने कहाँ पर रिकॉर्डर या फिर कोई कैमरा लगा रखा हो पिछली बार की तरह। तो उसके बाद चीशन यूवे रूम के बाहर चले जाते हैं और कीमो भी बाहर चला जाता है। फिर हम देखते हैं तीनों नीचे आ जाते हैं और एक रूम में बैठे हुए होते हैं। तो चीशन उससे पूछता है कि चलो बताओ तुम मुझसे क्या बात करना चाहते थे। कीमो उससे कहता है कि मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा लिंजी के सारे पैसे ट्रांसफर करने में, लेकिन तुम्हें ये बताना होगा कि तुम मुझे क्या दोगे। तो चीशन उससे कहता है कि पहले ये बताओ तुम ये कैसे करोगे। तो कीमो अपने पास से कार्ड निकालता है और कहता है कि मेरा एक दोस्त है जो हमें इस मैटर में लीगल तरीके पे हेल्प कर सकता है और ताकि हम फंसे भी ना। चीशन उससे कहता है कि तुम्हें लगता है कि मैं तुम पर ट्रस्ट करूंगा। तो कीमो उससे कहता है कि वैसे भी आज तक मैंने तुम्हें कभी भी हर्ट करने की कोशिश नहीं की जैसा तुम लोग लिंजी के साथ हर्ट करने की कोशिश करते हो, और अब मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता और वैसे भी तुम्हारे पास तो बहुत सारे लोग होंगे जो तुम्हारा ये काम कर सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं अपना एक कार्ड यहाँ रख के जा रहा हूँ अगर तुम्हें बाद में अपना मन चेंज करना पड़े तो। कीमो आगे बोलता है कि लेकिन तुमको जो भी करना है तुम जल्दी से डिसाइड करो, क्योंकि अगर लिंजी को तुम्हारे बारे में ज़रा सा भी पता चल गया तो तुम्हें उसके सारे पैसे तो भरने ही होंगे, साथ में तुम पर केस भी चलेगा। और ऐसी वार्निंग देकर कीमो वहाँ से चला जाता है। फिर हम देखते हैं कीमो लिंजी के पास बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आता है और उससे कहता है कि तुम पागल हो गई हो, तुमने आज कितनी बड़ी गलती कर दी और अगर मैं आज सही टाइम पे नहीं आता तो तुम तो पकड़ी जाती और फिर वो चीशन तुम्हारे साथ पता नहीं क्या करता। तो लिंजी उससे सैडली बोलती है कि तुम्हें पता है कि चीशन और लिंजी चाहते हैं कि मैं मर जाऊँ, कि चीशन और यूवे चाहते हैं कि मैं मर जाऊँ। लिंजी उसे आगे बताती है कि वो दोनों तो सब कुछ प्लान किए हुए बैठे, उन्होंने तो मेरा इंश्योरेंस भी करा लिया है। तो चीशन उससे कहता है कि अगर तुम सैड हो तो तुम्हें रोना है तो तुम रो सकती हो, लेकिन मुझसे प्रॉमिस करो कि तुम आज के बाद कभी भी ऐसा खतरा मोल नहीं लोगी। नेक्स्ट मॉर्निंग देखते हैं लिंजी बहुत फिर हम नेक्स्ट मॉर्निंग देखते हैं यूवी बहुत ही जल्दी में चीशन के पास आती है और कहती है कि तुमने जो है वो 60 मिलियंस उस इंसान को तो नहीं दे दिया जिसके बारे में कीमो ने बताया था। तो चीशन उससे कहता है अरे हुआ क्या ये तो बताओ। तो यूवी उसे बताती है कि मुझे पता चल गया है कि लिन गोफू ने अपनी कंपनी के शेयर्स किसको दिए हैं। तो यूवी उसे बताती है कि लिन गोफू ने मरने से पहले अपनी कंपनी के शेयर्स एक औरत के नाम किए थे, लेकिन वो तो बस नाम की शेयर होल्डर है जबकि असलियत में वो सारे शेयर्स कीमो के नाम पे हैं। तो ये तो चीशन का पूरा दिमाग ही खराब हो जाता है और उसके चेहरे का पूरा रंग उड़ जाता है। फिर हम देखते हैं चीशन ने कीमो को बुलाया होता है कंपनी में उसे बात करने के लिए। तो जब कीमो वहाँ आता है तो उससे पूछता है कि तुमने मुझे क्यों बुलाया। तो चीशन उसे बताता है कि सारा प्लान तुमने किया था ना, क्योंकि इस कंपनी के सारे शेयर्स मैं खरीदने वाला था लेकिन बाजी तो तुम मार गए, तो तुम्हारे पास इतना पैसा कहाँ से आया। तो कीमो उसे कहता है कि मेरे पास कोई भी पैसे नहीं है। तो चीशन उसे कहता है कि तुम ज़्यादा बातें मत बनाओ, मुझे सब पता है कि तुम्हारे पास कितने पैसे हैं, क्योंकि मुझे पता चला है कि लिन गोफू ने तुम्हारे नाम 50% शेयर कर दिए हैं। तो कीमो टेबल पे पैर रख के बहुत ही स्टाइल में बैठ जाता है और कहता है तो क्या हुआ, शेयर्स मेरे पास इसका मतलब ये तो नहीं कि मेरे पास पैसे हैं। कीमो उससे कहता है कि ये शेयर्स बेच के मैं फिर से पैसे तो नहीं कमा सकता ना। तो चीशन उससे कहता है कि
तुमने ही वो आदमी भेजा था और तुमने मेरे से 60 मिलियन ले लिए। तो कीनो उससे कहता है कि तुम ये इल्जाम मेरे ऊपर क्यों लगा रहे हो, तुमने अपनी बेसिस पे कॉन्टैक्ट किया, मैंने कुछ नहीं करवाया तुमसे, ठीक है। तो चीशन उससे कहता है कि तुम अब कैसे पीछे हट सकते हो, उस इंसान को तुमने ही मुझसे इंट्रोड्यूस करवाया था, बस करो अपनी एक्टिंग, आखिर तुम कितने दिनों तक एक्टिंग करोगे, मुझे सब पता चल गया तुम्हारे बारे में। तो कीनो उससे कहता है कि वैसे भी तुम्हारे पास एक भी पैसे नहीं बचे हैं तो तुम मुझे क्या ही दोगे। चीशन उससे कहता है कि मैं अभी पुलिस को कॉल कर रहा हूँ तुम्हारे फ्रॉड के लिए। तो चीनो उससे कहता है कि ठीक है तुमको पुलिस को कॉल करनी है कर लो, लेकिन तुम्हें उन्हें ये भी बताना पड़ेगा कि तुम्हारे पास वो 60 मिलियन आए कहाँ से, और साथ में पुलिस को ये भी बता देना कि लिन गोफू की मौत के पीछे कौन था। तो दोस्तों ये पार्ट यहीं खत्म होता है, मैं जल्दी आती हूँ आप लोग के लिए नेक्स्ट पार्ट लेके, लेकिन आप लोग कमेंट करिए और वीडियो को लाइक कीजिए अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लग रहा है। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।